एमआई मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है एमआई मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78 39 22। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किस प्रकार से हावी है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसे रिश्वतखोर विभाग से रूबरू करा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि साहब यह अधिकारी तो बड़े रिश्वतखोर निकले। तो यह खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा की धरती से जुड़ी है, जहाँ पर बंडा की नगर पालिका में पहले भी भ्रष्टाचारी में यह नगर पालिका जो है वो जमकर बदनाम हो गई है और अब भी बदनाम ही हो रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यहाँ की सीएमओ ज्योति सुनहरे के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे थे। आपको बता दें कि बंडा के रहने वाले ठेकेदार देवेंद्र राठौर ने 2020 में उत्कृष्ट विद्यालय की बाउंड्री के निर्माण का एक टेंडर लिया था, जो लगभग 2.5 लाख रुपए से ऊपर था। यह टेंडर नगर पालिका ने जारी किया था, जहाँ पर यहाँ बंडा की सीएमओ ज्योति सुनहरे ने लगभग 4 माह पहले पूर्व कार्य कराने के लिए ठेकेदार को एक आदेश भी जारी किया था, जिसके बाद ठेकेदार देवेंद्र राठौर ने 75% लगभग 2 लाख रुपए की राशि से निर्माण कार्य का पेमेंट मांगा। 2.5 माह से यह पेमेंट लंबित और काम बंद था, लेकिन मजाल है कि नगर पालिका बिना रिश्वत लिए इनके बिल पास कर दे। ठेकेदार देवेंद्र राठौर से भुगतान कराने के एवज में निर्माण शाखा के लिपिक राजेश उपाध्याय ने उनसे पैसों की जबरदस्त मांग की, जिसका आईडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फोन पर जब ठेकेदार ने कहा कि मेरे पास 3500 रुपए है, तो राजेश ने मना कर दिया और फोन काट दिया। कहा, भैया 3500 रुपए में तो काम नहीं बनेगा। ऊपर से इस आईडियो में जरा सीएमओ मैडम का भी जिक्र हो रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या यह पैसे नगर पालिका की सीएमओ मैडम बाबुओं के माध्यम से लेने लगी है, और अगर नहीं ले रही है तो ऐसे बाबुओं पर कार्रवाई करें जो उनकी गैर मौजूदगी में पैसे मांगा करते हैं और सीएमओ मैडम का नाम बदनाम किया करते हैं। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो। हेलो, तुम आए नहीं है फिर जी बंदे? अरे हम सर यार थोड़ी सी बाहर है, चले गए थे। ऐसे कैसे बाहर चले गए तुम? अरे सामान हमारा रख रहे तो लोह मोह वो जो बड़ा रोड की बाहर के सामान तो पड़ा है, तो बताओ फिर। अरे भैया तुम्हारे तो लोक निर्माण बनियों की दुकान बना हो, बताओ तो फिर और कम और भाव। तुमसे हमने जो कह रही थी तुम्हें आके तत्काल हमने फोन भी लगाओ, तो हम ऑफिस में है, तुम आ जाओ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो न हो तो कोई वो नहीं है। इच्छा कौन की नहीं हो सर, पैसा ले गई। अब यार तो फिर तुम समझो, हम तुम्हारे घर मना भी तो जे ने हम तुम्हारा इतना सपोर्ट कर दिए थे, वो भी किसी कारण की वजह से। हम नहीं तो इतना नहीं करत कौन को यार। हम मेरा मुझे 3 दिन से मना थपाए रखे हैं, तुम सब वो चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे। पेमेंट तो करवा नहीं है सर, थोड़ी हुआ। अरे भैया तो जो अब तो खैर में इतना ज्ञान रहा वो की बात हो, कितो ज्ञान चाहना तुम्हें। अरे मैडम उते आए थे तो मैडम ने कह दी थी अरे कहीं तुम अब जाओ, तो दीका की थी कि तुम बैठो। अरे तो अब जा तो कही जात के हो कर दे के कछु ये जे चीजें नहीं की थी हैं भी बात है, हमें करने हैं उनसे। तुम सामने जब इतना सीधी स्पेशल बात कर रही थी वो की बात पर कहा तुम बात की बात कर रहे। अब भी तुम बताओ क्या करना है, पेमेंट करवानी हमें वो जब तक कछु बन है बात। तो तुम आ रहे हो का ऑफिस आ जाए? ऑफिस आओ, हम ऑफिस ही में है। चलो ठीक है, जो हमने कही थी वो चीज को लेकर ठीक है। तो ऑफिस के जाओ, हमारे पास 3500 रुपया है कुल, तो फिर बिल्कुल नहीं आओ तुम। चलो ठीक है, हमसे ऑडियो वायरल हुआ है, ये क्या है पूरा मामला? नगर पंचायत द्वारा
एक टेंडर जारी किया गया था 2020 में, जिसमें शासकीय मॉडल हाई स्कूल की बाउंड्री का, फेस बाउंड्री का, सामने की बाउंड्री का निर्माण कार्य होना था, जिसमें जिसका टेंडर 2,80,000 का था, जिसका लगभग मैंने 75% काम कर दिया है। 75% काम करने के बाद मैंने एक मैडम से बोला कि रनिंग बिल बना दो हमारा, सब इंजीनियरों ने तो रनिंग बिल बनाने का बोला, तो उस समय कुछ पैसे की मांग वगैरह की इन लोगों ने, लगभग 10,000 रुपये की राजेश उपाध्याय द्वारा की गई है। ये जो ऑडियो है इसमें किस किस की आवाज़ है? राजेश उपाध्याय जी की। क्या बोल रहे हैं उस ऑडियो में? उसमें पैसे के मामले में उन्होंने बोला है कि वो हमें 10,000 रुपये दे, तब हम आपका रनिंग बिल का पेमेंट है जो करवा दें। बंद करो, बंद करो, बंद करो।